ग्वालियर से डबरा के बीच चलती ट्रेन से बच्चे के गायब होने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार बच्चे को इंदौर जीआरपी को सौंपने वाले दंपत्ति ने ही उसे चोरी किया था। उनकी महिला रिश्तेदार भी इसमें शामिल थी। उन्होंने ये कदम बेटा पाने की चाह में उठाया था। फिलहाल आरोपी महिला और उसके साथ देने वाली बहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी पति 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। मालवा एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। मालवा एक्सप्रेस में जम्मू तवी से ये झांसी जा रहे थे। आगरा में खाना खा के सो गए थे। डबरा आने नींद खुलने पर इनको पता चला कि इनका बच्चा 2 महीने का अमन नहीं था। इन्हें तलाश किया, नहीं मिलने पर ये झांसी उतरे और फिर उसके बाद जो है ग्वालियर थाना जीआरपी थाने में इन्हें रिपोर्ट की और उनकी रिपोर्ट पर से अपराध कायम किया गया। इसमें एक विवेचना में ये पता चला कि जो 2 दंपत्ति उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, आगरा से चढ़े थे, उनको बच्चा मिला था और उन्होंने 2 दिन अपने पास बच्चा रखा और वो उसे बाद में उन्होंने जीआरपी इंदौर थाने में सुपुर्द किया है। जो अभी मात्र छाया इंदौर में ही अभी बच्चा वहीं पर है, वहीं पर रह रहा है। क्या वजह? वजह तो ये है उसमें कि उनका एक लड़का नहीं था, वह एक बच्ची है उनके पास और ये उसमें विशेष संदेह का कारण ये रहा कि उनको भोपाल जाना था लेकिन वो ललितपुर में उतर गए और ललितपुर से उतर के वो बाय रोड जो है भोपाल और फिर भोपाल से इंदौर गए, तो इस वजह से ये मतलब उन पर संदेह हुआ और विवेचना में पाया गया कि उन्हीं की जो है इसकी खून के द्वारा ही अपराध किया गया है। उसे उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया जो जेआर पर है। अभी कुल 3 आरोपी हैं, इसमें 2 महिला 1 पुरुष है।